तो दोस्तों, कुछ लोगों ने कल मुझे एक वीडियो भेजा है और आप में से कई सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म पुष्पा आ रही है। तो पावर स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री में पुष्पा बना रहे हैं या नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर हर जगह पुष्पा फिल्म के डायलॉग्स और इस फिल्म के गाने पे रील्स बन रहे हैं और चारों तरफ इसी फिल्म की चर्चा हो रही है। आप सभी को बता दें कि पुष्पा 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। मतलब इसी बीच कुछ लोग ये बता रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में पुष्पा बना रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हमारी फिल्मों का जितना बजट होता है उतने में इस फिल्म का टाइटल भी नहीं खरीदा जा सकता है और इस फिल्म का रीमेक तो बहुत दूर की बात है। पुष्पा फिल्म और पवन सिंह में कोई भी कनेक्शन नहीं है और ना ही भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई पुष्पा मूवी बन रही है। और दोस्तों, इस न्यूज में जिस वीडियो को दिखाया जा रहा है ये बात सच है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बतासा चाचा यानी कि मनोज सिंह टाइगर आजकल तेलुगु इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जहां पे उनकी फिल्म अहिस्मा की शूटिंग उसी जंगल में की जा रही है जहां पे पुष्पा फिल्म की शूटिंग हुई थी। और दोस्तों, पुष्पा फिल्म में उनकी माँ का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस इस फिल्म में भी काम कर रही है। वेल, इस फिल्म में नई एक्टर और एक्ट्रेस नजर आने वाली है और रजत बेदी इस फिल्म में विलन का किरदार निभाने वाले हैं। ये एक तेलुगु मूवी होने वाली है जिसमें आप सभी को मनोज सिंह टाइगर भी नजर आने वाले हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी तरीके से पुष्पा नहीं बन रही है। और अगर आप सभी को इस बात को कंफर्म करना हो, सूर्या भाई ने भी एक वीडियो बनाई है और उन्होंने खुद ये कंफर्म किया है कि पवन सिंह की कोई भी पुष्पा मूवी नहीं बन रही है। मतलब आप सभी को भी पता होगा कि अभी पावर स्टार पिछले 2 महीनों से लंदन में अपने कई सारे फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे और अभी कुछ ही दिनों पहले वो इंडिया वापस आए हैं। वेल, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।